हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना एक नई चीज़ के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। जी, आज हमारी कुछ वीडियो डिफरेंट है। आज हम जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही यमी खाने मिलते हैं। हमारे लॉकडाउन के बाद हम पहली दफ़ा पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम किसी रेस्टोरेंट में होकर आते हैं। बर्मिंघम का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, यू कैन से के वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट, इतिहास इंडियन रेस्टोरेंट। बहुत ही यमी, बहुत ही पॉश, बहुत ही नाइस जगह है। तो मैंने सोचा हम वहाँ गए हैं, क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो बना के अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अंदर से बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस के साथ, और उसके साथ साथ जो खाना है वो भी काफ़ी लजीज होता है। चलें आए, आज हम अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा उन लोगों का सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग क्यू में बैठे होते हैं, और इतना रश होता है वहाँ पर कि आपको समटाइम जगह भी नहीं मिलती, आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है वहाँ पर जाने के लिए। हैंड सैनिटाइजर उन्होंने वहाँ पे लगाए हुए हैं, जब आप एंटर होते हैं आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है। बहुत ही प्यारे स्टाइल में उन लोगों ने सिटिंग एरिया रखा हुआ है, उनके एक नहीं बल्कि दो सिटिंग एरियाज हैं जहाँ पर आप अपने बारी आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस के साथ उन्होंने अपनी हर जगह को डेकोरेट किया है, छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने डेकोरेशंस रखी हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। ये इनका दूसरा सिटिंग एरिया है। हम लोगों की पूरी फैमिली अंदर जा चुकी थी तो मैंने कहा क्यों ना पहले से थोड़ी सी वीडियो बनाकर जाया जाए। ये इनका बार का एरिया है, रिसेप्शन भी है साथ ही इनके। अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए थे इसलिए वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी झिझक रही थी मैं। इनकी ये वाली जगह मुझे सबसे प्यारी लगती है क्योंकि उन्होंने ये पूरी जगह, पूरा एरिया फूलों से सजाया हुआ है। उनके पूरे छत के ऊपर उनका जो रूफ है वो पूरा उन्होंने फूलों से कवर्ड किया हुआ है, और वो इतना खूबसूरत लगता है, लगता है जैसे आप किसी गार्डन में आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने कितने हसीन फूल लगाए हैं अपने पूरे फ्लोर के ऊपर, पूरे उसके रूफ के ऊपर। यहाँ से कुछ वेटर्स गुजर रहे थे, उसके गुजरने के बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ों को और कैप्चर किया। इस रेस्टोरेंट का नाम है इतिहास। मैं उनकी प्रमोशन के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं उनकी कोई प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये जगह खूबसूरत लगी, मैंने कहा मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूँ। जी, अब हमारे जो है स्टार्टर्स आ रहे हैं, तो हमारी प्लेटें सर्व हो चुकी हैं। ये वाला स्टार्टर मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट है, तो इसलिए उसकी प्लेट मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाई। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबा एयर टाइम तक लॉकडाउन रहा है और बच्चे घर में बैठे बैठे तंग आ चुके थे। तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि क्यों ना हम जाया जाए, कुछ जाके कुछ खाया जाए। जी, बच्चों के फेवरेट यमी पॉपडम्स आ गए हैं, चलें उनके ऊपर अटैक करते हैं और इन्हें ख़त्म करते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही फ्रेश थे, टेस्ट बहुत ही नाइस होता है इनका। कुछ सैलेड, कुछ चटनी और कुछ रायते के साथ आती है, और ले जिए हमने ये कर दिए सारे ख़त्म। फिर हमारे पास आया ड्रिंक का मेन्यू। ड्रिंक में मेरे बच्चों ने ऑर्डर किया बॉलीवुड ड्रीम्स जो पिंक कलर का है, और कुछ मिंट मोहीटोस, लेमन लस्सी, उसके अलावा मैंगो लस्सी थी, और फिर हमारे पास कोक तो होती ही है, अक्सर बेशतर लोग कोक पसंद करते हैं, लेकिन दो तीन ड्रिंक्स ऐसी थी जो थोड़ी डिफरेंट थी, जिसमें ये बॉलीवुड ड्रीम जो कि बहुत ही यमी थी, बेरीज के साथ बनी हुई थी, और साथ में पानी, ऑफ़ कोर्स पानी तो होना ही है, पानी के बगैर तो कोई खाना मुकम्मल हो ही नहीं सकता।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। हम लोगों ने ड्रिंक्स के साथ साथ फिर हम लोगों का जो मेन कोर्स था वो आने वाला था, तो फिर हमारे पास मेन कोर्स में काफ़ी डिशेस थी। चलें उसका ज़रा सर्च करते हैं क्या क्या चीज़ आई है। प्लेट्स हमारी सर्व हो चुकी हैं, बहुत ही गर्म थी, हाथ नहीं लगाया जा सकता था, और गलती से अगर हाथ लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इफ़ेक्ट देता था। मेरे बच्चों ने आधी आधी ड्रिंक्स ख़त्म कर दी हैं खाना आने से पहले ही। चलें जी अब हम चलते हैं अपने मेन्यू की तरफ। कटलरी हम लोगों ने सर्व कर दी है जो कि काफ़ी हैवी कटलरी थी, विद द ब्लैक नैपकिन्स। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको रोका हुआ था, ये ड्रिंक्स मत ख़त्म करो बेटा वरना आपका पेट खाने से पहले ही फिल हो जाएगा, लेकिन स्टिल उन्होंने काफ़ी हद तक फिनिश कर दिया था। हम अपने मेन कोर्स का वेट कर रहे थे जी। हमारे ये सर्व हो गए नान, इसमें गार्लिक नान थे, सिंपल नान थे, कुछ तंदूरी रोटी थी, बड़े ही यमी, बहुत ही सॉफ्ट डिलिशियस, मुंह में घुलने वाले नान थे। साथ में हमने थोड़े से बॉइल्ड राइस किए थे। इनका अंदाज, इनकी सर्व करने की जो डिशेस थी वो बहुत अच्छी है, बहुत ही यूनिक थी, हमें सबको तो बहुत पसंद आई। हमारे पास यहाँ पर थे किंग प्रॉन्स विद नूडल्स जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे, बहुत ही यमी, बहुत ही स्पाइसी और बड़े मज़े का टेस्ट था इनका। साथ हमारे पास थे फिश पकौड़ाज, ये भी बहुत ही लजीज बने हुए थे। उसके साथ हमारे पास हैं सीख कबाब, मटन के सीख कबाब थे, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ही नाइस बने हुए थे। फिर हमारे पास था चिकन टिक्का जो कि मेरे डैड ने मेरे बच्चों के लिए स्पेशली ऑर्डर किए थे कि उन्होंने चिकन का कुछ खाना था, तो इसलिए चिकन टिक्का ऑर्डर किया था उनके लिए। फिर हमारे पास थोड़ी सी हम लोगों ने की थी मटन कढ़ाई। इन लोगों का पोर्शन बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, आराम से दो बंदे खा सकते हैं। जो उनकी सबसे यमी डिश है वो है पनीर मखनी, बहुत ही लजीज बनी होती है, बहुत ही अच्छे मसालों के साथ इन लोगों ने कम्बिनेशन किया होता है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में नान के साथ। फिर हमारे पास था यहाँ पर शिकारी गोश्त। शिकारी गोश्त उन्होंने नाम कुछ अजीब सा रखा हुआ था बस, लेकिन जायका बहुत अच्छा था इसका भी, लेकिन मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया था, मैंने बाकी डिशेस ट्राई की थी। सैलेड मुझे उनका कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, इससे ज़्यादा अच्छा सैलेड तो हमारे घरों में बन जाता है और बड़ी आसानी से और बहुत ही प्यारा लगा होता है, लेकिन इनका सैलेड मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया जी। इनकी दाल मखनी और उनको सर्व करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक छोटी सी हांडी के अंदर दाल मखनी को सर्व किया था जो बहुत ही मज़े की लग रही थी देखकर, खाने में भी लजीज थी। और जो हमारे मेन्यू में, जो पूरे कोर्स में हमारे सबसे मेन डिश थी वो तो अभी तक आई ही नहीं थी, उसका हम वेट कर रहे थे सारे, और वो थी जी क्या हो सकती है बताइए ज़रा, इतने सारे खानों में एक जो मेन डिश थी वो अभी तक सर्व नहीं की थी उन्होंने, वो सबसे आखिर में आई थी हमारे पास जी। कोई गैस कर सकता है? नहीं, चले मैं बताती हूँ आपको, वो है बिरयानी, हमारी फैमिली की सबसे मोस्ट फेवरेट थिंग है बिरयानी। हम लोगों ने दोनों तरह की बिरयानी ऑर्डर की थी, मटन और चिकन बिरयानी बोथ। इसके साथ ये लोग रायता और एक ग्रेवी सर्व करते हैं, बहुत ही मज़े की होती है, लेकिन आपको वो ग्रेवी डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती क्योंकि वो इट्स सेल्फ बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी होती है। फिर हमने किया था एक जंगली चिकन कोरमा सा बना हुआ था चिकन का, ये भुना हुआ बहुत ही अच्छा, मसालों के साथ बहुत ही अच्छे स्पाइसेस डले हुए थे। इनकी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी से बहुत अच्छी थी जी। हमारा हो गया खाना ख़त्म और हम जा रहे हैं डिज़र्ट की तरफ। मीठे के बगैर तो कोई खाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। ये उसका मेन्यू है, मेरे बच्चों ने बस ऑर्डर किया था ज़्यादा, और एक और लोगों ने, हमने ऑर्डर की थी कुछ आइसक्रीम्स
और साथ में रसमलाई जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत ही लजीज थी। गर्मी की वजह से थोड़ी सी मेल्ट हो गई आइसक्रीम, लेकिन टेस्ट वॉज रियली गुड। आप भी जाके ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार खाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।